रंग दिखता है, बिखरा हुआ निखरा हुआ, रंगों से भरा है अपना भारत देश। कितनी बोली कितनी भाषा, बदले रूप रंग और वेश, इंद्रधनुष सा नभ पर छाता अपना भारत देश। समृद्ध, सुरक्षित और सशक्त भारत के भविष्य की कल्पना का कोई साकार स्वरूप हो सकता है तो इसकी झलक इन युवाओं के उत्साह में साफ दिखाई देती है। उत्तर भारत की कड़ाके की ठंड में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देश की सनातन संस्कृति की सूंधी खुशबू बिखेरते कोने कोने से आए इन युवाओं के जोश से 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आगाज हो रहा है। देश की विविध कला, संस्कृति और बेहतर उम्मीदों को गढ़ते इन युवाओं के हुनर के तमाम रंगों से सजा है ये 5 दिवसीय राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020। मुख्य आयोजन स्थल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के विशाल प्रांगण में हर तरफ युवा जोश से लबरेज, रंग बिरंगे परिधानों से अपनी क्षेत्रीय परिभाषा व्यक्त करते हजारों युवाओं का संगम कला के ओलंपिक जैसा एहसास दे रहा। लोग धुनों पर थिरकते, उत्साह से झूमते इन युवा कलाकारों को प्रत्यक्ष देखकर भारत देश की सांस्कृतिक समृद्धि, अचरज और गर्व का अनुभव दे रही। Yeah, it is very important because we are getting a chance to meet like new people from the same Indian, like we are all Indian, but we for the first time we are meeting them through this event, right? So we are very happy and it is very important. My name is Shreya Rai and we are from Sikkim. We feel very nice. बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज इट्स आवर फर्स्ट टाइम दैट वी आर आउट ऑफ आवर स्टेट। ऑल पीपल्स आर कम फ्रॉम अराउंडिंग द इंडिया, दे आर ऑल सो इजीली टू कनेक्ट विद ईच अदर। इट्स लुक लाइक ए स्मॉल कंट्री अबाउट द नेशन। आज का बहुप्रतीक्षित दिन न सिर्फ राजधानी वासियों के लिए बल्कि प्रदेश के लिए भी सौभाग्य का है, जब मेजबान के रूप में सभी अपनी भारतीय संस्कृति, वैभवशाली परंपरा के साक्षी बन रहे हैं। आयोजन स्थल के बाहर सुबह से ही किसी युवा सांस्कृतिक महाकुंभ का दृश्य सजीव हो रहा है। पारंपरिक परिधानों में सजे देश के अलग अलग प्रदेशों के युवा कलाकारों का उत्साह गजब का आकर्षण पैदा कर रहा है, जो देखने वालों के लिए विस्मय और कुतूहल से भरपूर है। इन युवा प्रतिभागियों के जोश और उत्सुकता को इस बात से समझ सकते हैं कि इन्हें जहाँ जैसा मौका मिल रहा है वहीं अपनी प्रतिभा से विशिष्टता की छाप छोड़ रहे हैं। मुख्य पंडाल को अपनी कला से ऊर्जावान और यादगार बनाने की उमंग में सड़क पर ही इनके पांव मचल रहे हैं। अलग अलग प्रदेशों की पहचान लिए इन युवाओं को देखकर ऐसा लगता है कि एक तस्वीर में भारत देश के कला वैभव को चित्रित किया गया है। पुलिस बैंड के नेतृत्व में मार्च पास्ट की शक्ल में आयोजन स्थल में प्रवेश करते ही इन प्रतिभागियों का स्वागत करने के लिए प्रदेश के खेल मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी, लखनऊ की महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया, प्रमुख सचिव युवक कल्याण श्रीमती डिंपल वर्मा के साथ तमाम वरिष्ठ अधिकारी स्वयं मौजूद होकर सभी की अगवानी कर उत्साह वर्धन कर रहे हैं। मुख्य द्वार से दाखिल होते इन युवाओं की टोलियों के वंदे मातरम उद्घोष व भारत माता के जय के नारे कार्यक्रम के आने वाले पलों के सुखद एहसास के साथ देशभक्ति का भाव वातावरण में घोल रहे हैं। कहीं असमिया नृत्य तो कहीं पंजाबी भांगड़ा व गिद्दा की झलक, कहीं गुजरात के डांडिया कलाकारों का हुजूम तो उनके पीछे गोवा के पारंपरिक नृत्य, सुंदर परिधानों में आगे बढ़ते
केरल की सांस्कृतिक पहचान की छाप छोड़ते समूह तो मराठी अस्मिता की झलक दिखाते महाराष्ट्र के कलाकारों के पीछे सिक्किम के पारंपरिक नृत्य करते युवा, बंगाल के कलाकारों द्वारा दुर्गा पूजा व पारंपरिक नृत्यों के साथ ही हर प्रदेश के कलाकार भरपूर उत्साह से अपने महोत्सव में शामिल होते हुए दिखे। युवाओं के इस महाकुंभ के आतिथ्य के लिए इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बने विवेकानंद सभागार में इसका भव्य आयोजन किया गया है। विविधतापूर्ण संस्कृतियों की अद्भुत परंपराओं का देश है भारत और 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव इन्हीं विभिन्न भाषाओं, बोलियों, वैभवशाली परंपराओं का एक अनूठा संगम है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 12 जनवरी 2020 से 16 जनवरी 2020 तक चलने वाले 5 दिवसीय राष्ट्रीय युवा महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री किरेन रिजिजू की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी, शहर की महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया व अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में 23वें राष्ट्रीय महोत्सव का शुभारंभ किया गया। स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती को समर्पित इस आयोजन का उद्देश्य देश के तमाम प्रदेशों से आए कलाकारों, उनकी प्रतिभाओं को साझा करते हुए स्वामी विवेकानंद जी के मूल्यों को जीवन मूल्यों से देश और दुनिया को सही मार्गदर्शन का संदेश देना है। स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस युवा कुंभ में देश के कोने कोने से आए हजारों युवाओं को अपनी ऊर्जा व प्रतिभा को राष्ट्र निर्माण की दिशा में लगाने का आह्वान किया। देश के कोने कोने से उत्तर प्रदेश की धरती पर उसके हृदय स्थल राजधानी लखनऊ में पधारे मेरे सभी युवा साथियों, आप सबका मैं राष्ट्रीय युवा महोत्सव के इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर उत्तर प्रदेश पधारने पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। और उत्तर प्रदेश अपने इन युवा साथियों का जो देश के कोने कोने में युवा ऊर्जा के प्रतीक हैं, अपने इन सभी युवा साथियों का स्वागत करने और उनकी ऊर्जा का उपयोग हम समाज और राष्ट्र निर्माण के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ सकेंगे, यह एक अवसर आज हमें प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए उन्हें हृदय से साधुवाद देता हूं। आपको यहां पर पूरे देश से आए हुए इन युवा साथियों के जीवन के अनुभव को जानने और उन अनुभवों से और उनकी युवा ऊर्जा से बहुत कुछ सीखने और जानने का एक अवसर प्राप्त होगा। देश के बेहतरीन लोक कलाकारों से खचाखच भरे विवेकानंद उद्घाटन पंडाल में चटख रंग बिखेरते युवा कलाकारों ने मंच पर बैठे सभी गणमान्य अतिथियों के विचारों पर बहुत ही ऊर्जावान प्रतिक्रिया दी, जो इस बात का सुकून दे रही कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव निश्चय ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के विवेकानंद सभागार में इस 23वें युवा महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री किरेन रिजिजू ने युवाओं का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से हमारी विविधतापूर्ण संस्कृति का आदान प्रदान होता है, जिससे देश की अखंडता और एकता मजबूत होती है। इस युवा संगम को संबोधित करते हुए श्री किरेन रिजिजू जी ने खेलों के माध्यम से फिर यूथ फिट इंडिया कार्यक्रम के लक्ष्य को भी साझा किया। भारत के कोने कोने से आए हुए आज के राष्ट्रीय युवा महोत्सव पर डेलीगेट्स के रूप में आए हुए भाइयों और बहनों, देश से बहुत हजारों के तादाद में जो हमारा युवा प्रतिनिधि आए हैं, आप एक दूसरे के आपस में तालमेल करके परस्पर एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे राज्य के बारे में, संस्कृति के बारे में जानने का मौका मिलेगा, जो आगे चल करके एक भारत श्रेष्ठ भारत को और बल मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम चलाया है फिट इंडिया मूवमेंट, 29 अगस्त को सिर्फ खेल दिवस ही नहीं,
वो फिट इंडिया मूवमेंट का दिवस के रूप में हमने इसको शुरू करने का निर्णय किया है। और फिट इंडिया जो है ये हमारे लिए बहुत बड़ा मूवमेंट है। प्रधानमंत्री जी के प्रयास से 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव को सफल बनाने के लिए नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों के योगदान और उनकी भागीदारी को सराहनीय प्रयास मानते हुए उन्होंने सभी से इस युवा कुंभ से कुछ न कुछ सीखने और राष्ट्रीय एकता के संदेश को देश के हर कोने तक पहुंचाने का संकल्प भी दोहराया। उद्घाटन समारोह के अवसर पर प्रदेश सरकार के खेल मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए सरकार द्वारा युवाओं के चहुंमुखी विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों में सभी की सक्रिय भूमिका के बारे में बताया। उन्होंने हर ग्राम पंचायतों में खेल के मैदान और ओपन जिम उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई। युवा महोत्सव को वीडियो संदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वामी विवेकानंद द्वारा आंतरिक ऊर्जा को राष्ट्र उत्थान के लिए व्यक्त करने की जरूरत वर्तमान में भी जरूरी बताया। देश भर से आए युवाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को अपनी ऊर्जा से हर सपने को संभव बनाने के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और विवेकानंद जयंती पर तो ये संकल्प अपना दायित्व तो बन जाता है। आप सब जानते हैं वर्ष 2022 तक जो कि हमारी आजादी के 75 साल है, देश के आजादी के दीवानों ने समृद्ध भारत के सपने संजोए थे और अपनी जवानी देश के लिए आहुत कर दी थी। उन महापुरुषों के सपनों को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार के काम हमने करने, उसमें से एक काम के लिए मैं आज आपसे आग्रह करता हूं, युवकों से आग्रह करता हूं, आपके माध्यम से पूरे देश में आंदोलन चले इस अपेक्षा से आग्रह करता हूं, क्या हम 2022 तक, बाकी आगे क्या करना देखेंगे, 2022 तक जितना संभव हो सके लोकल प्रोडक्ट्स ही खरीदें, ऐसा करके आप जाने अनजाने अपने किसी युवा साथी की ही मदद करेंगे, आप अपने लक्ष्यों में सफल हो, अपने जीवन में सफल हो, इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार फिर राष्ट्रीय युवा दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उद्घाटन कार्यक्रम में सभी अतिथियों ने सभी प्रतिभागियों से अपनी अपनी विधा का बेहतरीन प्रदर्शन कर युवा महोत्सव में बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग लेने के लिए प्रेरित किया तथा इन कलाकारों को शुभकामनाएं दी और हर तरह की मदद से आश्वस्त भी किया। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम एवं खेल मामलों के सचिव राधेश्याम जुलानिया, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, भारत सरकार के संयुक्त सचिव एवं नेहरू युवा केंद्र संगठन के महानिदेशक श्री असित सिंह जी, उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक श्री ओपी सिंह जी आदि की गरिमामय मौजूदगी में इस रंगारंग उत्सव का आरंभ हुआ। उद्घाटन समारोह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का संचालन करते हुए प्रसिद्ध भोजपुरी गायिका श्रीमती मालिनी अवस्थी ने उत्तर प्रदेश की वैभवशाली सांस्कृतिक परंपराओं को अनूठे अंदाज में प्रस्तुत किया। इसमें प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए वहां के स्थानीय कलाकारों ने अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रदर्शन से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया।
अपने अपने क्षेत्र के प्रतिभावान युवाओं के राष्ट्रीय युवा महोत्सव के लिए राजधानी लखनऊ में अलग अलग आयोजन स्थल बनाए गए, जिनमें मुख्य आयोजन स्थल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की भव्यता देखते ही बनती है। अपने युवा मेहमानों के लिए इस आयोजन स्थल में कई सभागार बनाए गए हैं, जहां से युवा कलाकार अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के लगभग हर हिस्से में इन कलाकारों की प्रतिभा देखने को मिल जाएगी। नक्षत्रों के पहचान वाले इन सभागारों में कहीं गायन तो कहीं वादन, कहीं नृत्य तो किसी में भाषण, कहीं मूर्तिकला तो किसी प्रांगण में चित्रकला के तमाम प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के रंगारंग शुभारंभ के बाद सभी गणमान्य अतिथि अपने इन युवा मेहमानों की प्रतिभाओं को देखने के लिए आतुर दिखे। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू, खेल मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी, लखनऊ के कमिश्नर श्री मुकेश मेशराम व नेहरू युवा केंद्र संगठन के पदाधिकारियों के साथ इन कलाकारों से मिलने निकल पड़े। उन्होंने घूम घूम कर अलग अलग पंडालों में विभिन्न कलाकारों द्वारा प्रदर्शित कृतियों को देखा, सराहा और बेहतर प्रदर्शन के लिए सभी का उत्साहवर्धन किया। इसी क्रम में संयुक्त सचिव युवा कार्यक्रम एवं महानिदेशक नेहरू युवा केंद्र संगठन श्री असित सिंह जी ने अन्य पदाधिकारियों के साथ विभिन्न पंडालों का निरीक्षण कर सभी का मनोबल बढ़ाया। इसके बाद श्री असित सिंह जी नेहरू युवा केंद्र संगठन के मीडिया हॉल में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए इस महोत्सव के बारे में विस्तार से बातचीत की। राष्ट्रीय युवा महोत्सव की परिकल्पना भी यही सोचकर की गई थी कि देश के भिन्न भिन्न प्रदेशों के युवा एक जगह पर एकत्रित होंगे, 4-5 दिन अपने अपने विधाओं का, अपने राज्य के खान पीन का, अपने राज्य के विभिन्न कला और सांस्कृतिक तौर तरीकों का प्रदर्शन करेंगे और सभी एक दूसरे के ट्रेडिशंस और कल्चर्स को समझेंगे और जानेंगे कि सांस्कृतिक एकता को, देश के राजनीतिक एकता को, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो हम लोगों के देश का थीम है सबसे बड़ा और जो हम लोगों के लिए पूरे विश्व में सबसे गर्व का विषय है, ये युवा महोत्सव इसी बात को आगे बढ़ाता है। आप सभी को पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का देश के डिफरेंट पार्ट्स के लोगों को एक दूसरे से इंटीग्रेट करने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सभी प्रतिभागियों के खाने पीने के लिए नामचीन कैटर्स के द्वारा बेहतरीन व्यवस्था की गई, जहां प्रतिभागी भरपूर स्वाद लेते दिखे। उद्घाटन समारोह को यादगार बनाते हुए शाम को विवेकानंद हॉल में उत्तर प्रदेश अलग अलग क्षेत्रों के समूहों द्वारा लोक नृत्य प्रस्तुत किया गया, जिसमें राई नृत्य सोनभद्र के कलाकारों द्वारा कर्मा नृत्य, धोबी नृत्य, धीरिया नृत्य, फरुवाही नृत्य, शहीद मंगल पांडे की वीरता को समर्पित शीनू सिंह का गायन और ब्रज के कलाकारों द्वारा मोर नृत्य आदि ने सभागार में उपस्थित सभी लोगों का मन मोह लिया। युवा महोत्सव का दूसरा दिन यानी 13 जनवरी मानो सभी कलाकारों के लिए अपने हुनर दिखाने का दिन हो, जहां सुबह 9 बजते अपने पारंपरिक परिधानों में युवाओं के अलग अलग दल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, पीआरडी ग्राउंड और बीबीडी ऑडिटोरियम पहुंचने लगे। मुख्य आयोजन स्थल में ही 4 अलग अलग ऑडिटोरियम में लोक संगीत, क्लासिकल वाद्य यंत्र वीणा और तबला, क्लासिकल नृत्य और गायन की विधाओं की प्रस्तुतियों के कार्यक्रम चल रहे, जहां भारी संख्या में युवाओं ने सभी प्रतिभागियों की प्रस्तुतियों का भरपूर आनंद उठाया और तालियों से उनका उत्साह भी बढ़ाया। मुख्य आयोजन स्थल के मार्स ऑडिटोरियम में लोक संगीत और लोक नृत्य के लिए देश के अलग अलग राज्यों के कलाकार अगले 3 दिनों तक अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे, जहां कला जगत के ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों द्वारा उनकी परख की जा रही है। सबसे अच्छे प्रदर्शन के आधार पर ही उनमें से कोई एक विजेता घोषित किया जाएगा। यहाँ निर्णायक मंडल के स्वागत और परिचय के बाद नागालैंड, असम, बंगाल, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पुडुचेरी, गुजरात और जम्मू कश्मीर के युवा कलाकारों ने अपने शानदार प्रदर्शन से हॉल में बैठे सभी दर्शकों का दिल जीतने का प्रयास किया। यहाँ प्रतिभागियों के साथ ही दर्शक भी इन प्रस्तुतियों पर भरपूर आनंद ले रहे हैं। इसी तरह मरकरी ऑडिटोरियम में
शास्त्रीय नृत्य की ओडिसी और कुचिपुड़ी विधा में महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात आदि राज्यों से आए कलाकारों द्वारा नृत्य कला की प्रतिस्पर्धा चल रही, जिसमें प्रतिभागियों द्वारा अपनी निपुणता का प्रदर्शन किया जा रहा, जो दर्शकों को इन्हें आपलक देखने पर विवश कर रहा है। इसी क्रम में प्लूटो हॉल के द्वितीय तल पर हिंदुस्तानी वोकल सोलो परफॉर्मेंसेस की प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया है, जहां एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रस्तुतियां देखने को मिल रही हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के सामने राज्य मानवाधिकार भवन के ऑडिटोरियम में अगले 3 दिनों तक क्लासिकल वाद्य यंत्रों की सोलो परफॉर्मेंसेस की प्रतियोगिता चल रही है। इसमें वीणा, तबला, सितार, बांसुरी, मृदंगम और गिटार में प्रतिभागी अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ पीआरडी ग्राउंड के एक अन्य आयोजन स्थल पर विभिन्न एडवेंचर प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत प्रदेश के खेल मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी, नेहरू युवा केंद्र संगठन के वाइस चेयरमैन श्री दिनेश प्रताप सिंह जी की उपस्थिति में फीता काटकर की गई। इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री डिंपल वर्मा जी ने स्वयं उनका स्वागत कर और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिवादन किया। इसके बाद अलग अलग राज्यों के खिलाड़ियों द्वारा जोबिन, फोक्स फ्लाइंग, फोक्स आर्टिफिशियल, रॉक वॉल रैपलिंग, स्पाइडर वेब, वर्मा ब्रिज, कमांडो नेट, गन शूटिंग, टायर स्विंग आदि श्रेणियों में प्रतियोगिता आरंभ हुई है। खेलों के रोमांच की बानगी अतिथियों में भी देखने को मिल रही, जो खुद इनमें अपनी क्षमताओं को आजमाने से स्वयं को रोक नहीं पाए। इन खेलों का आकर्षण ही ऐसा है जो किसी को भी मचलने पर मजबूर कर दे। इस अवसर पर युवाओं का उत्साह वर्धन करते हुए कार्यक्रम के अतिथियों ने भी स्वयं प्रयास कर युवाओं को प्रेरित करने की कोशिश की। साथ ही युवा कलाकारों को युवा महोत्सव का ब्लेजर प्रदान कर उन्हें इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सम्मानित भी किया। इधर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में लोक नृत्य की एक अन्य प्रतियोगिता के कार्यक्रम में विभिन्न प्रदेशों के कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी वेन्यू के युवा शिल्पग्राम में अलग अलग प्रदेशों से आए कलाकार अपने क्षेत्रीय उत्पादों, वहां की विशिष्ट शैली और प्रसिद्ध कृतियों के साथ अपने अपने पंडालों में सभी को आकर्षित कर रहे हैं। कहीं जम्मू के ऊनी वस्त्रों का संकलन दिख रहा है, तो कहीं बांस से बने उत्पादों का प्रदर्शन, कहीं सागौन की लकड़ियों के उत्पाद, तो कहीं रेशमी वस्त्रों का पंडाल। कुल मिलाकर भारत के विभिन्न क्षेत्रों की प्रसिद्धि स्थानीय वस्तुओं और वहां के हुनर का अद्भुत संगम स्थल है ये युवा शिल्प ग्राम। इसी से जुड़ा हुआ है फूड फेस्टिवल पंडाल, जहां आपको अलग अलग प्रदेशों के प्रचलित और फेमस खान पान का स्वाद लेने का भी अवसर मिलता है। इन पंडालों में पंजाबी स्वाद की पहचान सरसों दा साग और मक्की दी रोटी, हरियाणा की देशी घी की जलेबियां, लखनऊ के चिकन के व्यंजन और कुल्हड़ चाय, तमिलनाडु का इडली डोसा जैसे दर्जनों स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध हैं, जो इस महोत्सव में शामिल स्वाद के शौकीनों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बने हैं। इतना ही नहीं, सन स्क्वायर का खुला मंच चित्रकारी, मूर्तिकला, कास्ट कला व फोटोग्राफी के कलाकारों की अचरज में डालने वाली प्रतिभा का केंद्र है। यहाँ तस्वीरों में अपनी कूची और रंगों से उनको जीवंत करते युवा चित्रकार, क्ले आर्ट के माहिर अपने काम से सभी को बरबस खींच लेते हैं। हैरत में डालता इनका हुनर सभी को बेहद भा रहा। इसी क्रम में एक अन्य आयोजन स्थल बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय स्थित ऑडिटोरियम में रंगमंच के कलाकारों द्वारा विभिन्न प्रदेशों के युवाओं द्वारा अलग संदेश देते नाटकों का मंचन हो रहा, जहां संवेदनशील सामाजिक विषयों के साथ ही गुदगुदाने वाले नाटकों से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन हो रहा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ही विवेकानंद सभागार में सुविचार और कन्वोकेशन का आयोजन है। इसमें प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर व अन्य प्रतिभागी भाग लेकर सकारात्मक, ऊर्जावान और प्रेरक संदेश देने का प्रयास कर रहे। दोपहर बाद शहर के मुख्य सार्वजनिक स्थानों 1090 चौराहा, जीपीओ पार्क और रूमी दरवाजे पर सांस्कृतिक कला का कार्यक्रम भी जारी है। इनमें महोत्सव में आए कलाकार खुले मंच पर अपनी कला से सभी के आकर्षण का केंद्र बन रहे।
इन तीन दिनों में दर्जनों विधाओं में युवा कलाकार अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए जी जान से लगे हैं। यहाँ प्रतिस्पर्धा के साथ ही इन कलाकारों का उत्साह, बोली और क्षेत्रीयता की बाधाओं को तोड़कर संगीत की धुनों पर थिरकता देखा जा सकता है। सभी प्रतिभागियों के लिए विशेष सांस्कृतिक संध्या का आयोजन विवेकानंद सभागार में किया गया है, जहां ऐतिहासिक और देशभक्ति से ओतप्रोत आजादी की लड़ाई का मंचन राष्ट्रीय स्तर के ग्रुप्स द्वारा किया गया है। इसमें चाणक्य के भारत निर्माण की गाथा को थिएटर के प्रसिद्ध कलाकार श्री मनोज जोशी द्वारा जिस अंदाज में पेश किया गया, उसने सभी के सामने उस कालखंड को पुनः जीवित कर दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लगातार प्रदर्शनों का ये सिलसिला विभिन्न आयोजन स्थलों पर जारी है, जिसका हर दृश्य समय को रोककर अपने में बांध लेने के लिए विवश करता है। दिन के समय विवेकानंद सभागार में सुविचार और युवा कन्वोकेशन का भी आयोजन किया गया। इसमें प्रसिद्ध प्रेरक वक्ताओं, अपने अपने क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त लोगों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और वैज्ञानिकों आदि ने युवाओं को अपने अनुभवों से रूबरू कराया और अपनी ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण में लगाने के लिए प्रेरित किया। इनमें जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह, पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा, रामकृष्ण मिशन के स्वामी निखिलेश्वरानंद, यूथ आइकन हरि बोरकर, इसरो वैज्ञानिक ऋतु करिधाल जैसे विश्व स्तर के मशहूर महानुभावों ने संवाद पेश किया। साथ ही यूथ कन्वेंशन के कार्यक्रम में युवाओं के सवाल जवाब सेशन और अलग अलग क्षेत्रों से चयनित यूथ आइकन्स को जानने और रूबरू होने का मंच भी युवाओं को प्रदान किया जा रहा। बीबीडी विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में युवा कलाकारों के लिए अभिनय क्षमता की प्रतिस्पर्धा का आयोजन चल रहा, जिसमें तमाम प्रदेशों के रंगमंच से जुड़े कलाकार भाग ले रहे हैं और विभिन्न पहलुओं को अपने सशक्त अभिनय के माध्यम से दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। महोत्सव के दूसरे दिन वन एक्ट प्ले श्रेणी की इस प्रतिस्पर्धा में राजस्थान के कलाकारों ने वेटिंग रूम की गतिविधियों को सफर नाटक के माध्यम से प्रदर्शित किया। वहीं उत्तर प्रदेश के कलाकारों ने प्रकृति पर संकट को दर्शाने के लिए मैन अगेंस्ट नेचर नाटक का मंचन किया। पंजाब के कलाकारों द्वारा नारी उत्पीड़न का भावपूर्ण प्रदर्शन व आंध्र प्रदेश के कलाकारों द्वारा मानव समाज की संवेदनशीलता को दर्शाने का प्रयास किया गया। साथ ही कोलकाता और गुजरात के युवा कलाकारों द्वारा प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता आधारित इको ट्री और सिंह आख्या नामक नाटक प्रस्तुत किया गया। विवेकानंद सभागार में ही विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य कर रहे युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित कर सभी युवाओं को प्रेरित करने का प्रयास किया गया। राष्ट्रीय युवा महोत्सव में तीसरे दिन भी युवाओं में गजब का उत्साह देखा जा सकता है। अपनी अपनी विधा के इन युवा कलाकारों का जोश और उमंग देखने लायक है। अलग अलग विधाओं के लिए निर्धारित सभागारों में जारी सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धाओं के साथ ही सन स्क्वायर के खुले प्रांगण में चित्रकारी, मूर्तिकला और फोटोग्राफी के कलाकारों के पास काफी संख्या में दर्शक पहुंच रहे। यहीं सेल्फी पॉइंट पर युवा अपने महोत्सव को यादगार बनाने के लिए सेल्फी और फोटोग्राफ्स लेने में पीछे नहीं है। साथ ही अलग अलग पहचान को दिखाती इन पगड़ियों को पहनकर एक साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाते युवा दल एकता का संदेश भी दे रहे। इसी प्रांगण में हस्ताक्षर अभियान के बोर्ड पर अपनी उपस्थिति और संदेश लिखने के लिए भी युवा पूरे जोश से नजर आ रहे। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर इस प्रांगण में लोहड़ी पर्व का आयोजन किया गया है, जिसमें संगीत की धुनों पर नाचते झूमते युवाओं की खुशी और उनका जोश पूरे चरम पर देखा जा सकता है। एक से बढ़कर एक कला की विभिन्न शैलियों के इस कुंभ में हर ओर अपनी कला और पहचान बिखेरते युवा हुजूमों को देखकर आप इस राष्ट्रीय युवा महोत्सव का रोमांच और इसके महत्व को आसानी से समझ सकते हैं। आप जहां भी नजर दौड़ाते हैं, आपको कुछ न कुछ अचरज भरा होता हुआ दिखता है। कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में चल रही इन सांस्कृतिक गतिविधियों को कोई चाहकर भी अपनी नजरों में समेटना चाहे तो भी कुछ न कुछ छूट ही जाएगा। अपनी प्रतिस्पर्धा पूरी करने के बाद युवाओं के दल दूसरे साथी कलाकारों की प्रतिभा देखने के लिए हर पंडाल तक पहुंच रहे, जहां एक दूसरे से मिलकर परस्पर संवाद करते युवाओं के सांस्कृतिक संगम का अद्भुत नजारा देखा जा सकता है। हर तरफ क्षेत्रीय और भाषाई लकीरें मिटती देखी जा सकती हैं। इस अद्भुत दृश्य से आप युवा महोत्सव के प्रमुख लक्ष्य को सार्थक होता देख सकते हैं। इधर बहुत अच्छा लग रहा है ये यूथ फेस्टिवल। प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी के लिए यूथ फेस्टिवल बहुत अच्छा कर रहा है। यूथ के ऊपर यूथ के अंदर टैलेंट बाहर लेता है और अच्छा ठीक से गवर्नमेंट अच्छा करता है। लगभग 15 लोगों की टीम है और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत से डिफरेंट कल्चर देखने को मिले और एक साथ इतने सारे फोक डांस फॉर्म्स देखने को मिले और बहुत इंजॉय किया है, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है थैंक्स टू यूथ फेस्टिवल 23rd। एंड मैं एक्साइटेड हूँ कि मैं अगली बार भी आऊँ। युवा महोत्सव के चौथे दिन तमाम प्रतिस्पर्धाएं अपने अंतिम चरण में हैं। सभी युवा कलाकार पूरे उमंग से अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन कर रहे। ज्यादातर प्रतिभागियों की कृतियां अपनी पूर्णता की ओर हैं, पर इन युवाओं का जोश अभी भी पहले दिन जैसा ही है। विवेकानंद सभागार में सुविचार कार्यक्रम में आज भी कई नामचीन शख्सियतों ने युवाओं को संबोधित कर उनका मार्गदर्शन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए निर्धारित सभागारों में संगीत, कला, नृत्य, नाटक, भाषण प्रतियोगिताओं, विशिष्ट और अनुकरणीय लोगों द्वारा संबोधन के साथ ही प्रतिस्पर्धी गैर प्रतिस्पर्धी गतिविधियां जारी हैं, जहां उत्साहित युवा कलाकारों द्वारा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर विजेता बनने का संकल्प साफ झलक रहा है। कुछ यही दृश्य PRD ग्राउंड मैदान में एडवेंचर एक्टिविटीज की क्षमता प्रदर्शन में भी देखा जा सकता है, जहाँ प्रतिभागी ही नहीं दर्शक भी इन रोमांचक क्रियाओं में खुद को आजमाते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा विवेकानंद सभागार में यूथ आइकन्स को सम्मानित करने की कड़ी में प्रदेश के खेल मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले युवाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कई मंत्रियों और वक्ताओं ने युवाओं से अपने विचार भी साझा किए और युवाओं को सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रीय युवा महोत्सव की सफलता के लिए विशेष रूप से सक्रिय नेहरू युवा केंद्र संगठन के महानिदेशक श्री असित सिंह जी को NYK संगठन के द्वारा सम्मानित कर संगठन के युवा अधिकारियों से संवाद कार्यक्रम को भी आयोजित किया गया। साथ ही शाम को विवेकानंद सभागार में एक भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें कई प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा लोक संगीत और गायन की कई प्रस्तुतियां हुई, जिन्होंने पंडाल में मौजूद श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। 23वें युवा महोत्सव की प्रतिस्पर्धी और गैर प्रतिस्पर्धी सांस्कृतिक गतिविधियों के सभी कार्यक्रम पूरे संपन्न होने के बाद अंतिम दिन महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय युवा कल्याण एवं खेल मंत्री श्री किरेन रिजू, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य, खेल मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी, मंत्री श्री चेतन चौहान, मुख्य सचिव श्री राजेंद्र तिवारी आदि की उपस्थिति में पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके बाद युवा कलाकारों द्वारा राज्यपाल के स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया गया। इसमें नारी के विभिन्न रूपों और उनकी भावनाओं को जीवंत करने का प्रयास किया गया। इसके बाद सभी प्रतिस्पर्धाओं के विजेताओं को पुरस्कार देने का कार्यक्रम पेश किया गया। इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रह रहे प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में विजेता टीमों का ही नहीं, उन प्रतियोगिताओं में शामिल सभी प्रतिभागियों ने पूरे जोश से तालियां बजाकर सभी का भरपूर उत्साह बढ़ाया। युवा महोत्सव का 5 दिवसीय युवा कुंभ अद्भुत अनुभवों, यादगार पलों और पुनः मिलने के बंधुत्व भाव के साथ आज संपन्न हो रहा है। विभिन्न प्रांतों, भाषाई अड़चनों के बावजूद इन युवा कलाकारों ने अपनी प्रतिभागिता के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और देश की अखंडता के लिए एक उत्कृष्ट मिसाल देते हुए ये विश्वास जगाया है कि इन्हीं प्रतिभाशाली युवाओं की मेहनत और लगन से स्वर्णिम भारत का निर्माण सुनिश्चित है।